सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी टिप्स यूट्यूब चैनल को और दबाइए घंटे के बटन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट। ये बिल्कुल फ्री है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जान रहे थे कि अभी मैंने एक डोमेन लिया था पिछले वीडियो में, तो चलिए अब उसे हम ब्लॉगर से रीडायरेक्ट कर लेते हैं। बहुत लोगों की समस्या हो रही थी कि उनका डोमेन रीडायरेक्ट नहीं हो रहा था, तो चलिए थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप हम इस चीज को जान लेते हैं कि किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड पे जाना होगा, ठीक है। ब्लॉगर के डैशबोर्ड पे जाने के लिए आपको ये नया डोमेन हमने बाय किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका टाइटल है हिंदी बंगला कहानी, हर दिन लेटेस्ट कहानी हिंदी और बंगला में, ठीक है। तो इसका टाइटल है, तो सिंपल सा अभी हम अपने सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में गए, बेसिक सेटिंग पे ये बाय डिफॉल्ट क्लिक रहता है, तो यहाँ पे लोड हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी हमारा ब्लॉग पोस्ट है, तो सिंपल यहाँ पे थर्ड पार्टी सेटअप अभी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, तो सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे www के साथ हमें डोमेन लेना लगाना है, ठीक है, www के साथ। तो सिंपल अभी जहाँ से हमने डोमेन लिया है, सिंपल है, अभी हम यहाँ पे जाएंगे माई प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारा जितना भी डोमेन होगा सारा डोमेन आपको यहाँ पे दिखने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे यही डोमेन है हिंदी बंगला, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ताकि दिक्कत नहीं हो, ठीक है। और यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम इसे पेस्ट करेंगे विथ www, ठीक है, विथ www देंगे और यहाँ पे सेव करेंगे, तो एक एरर आपके सामने यहाँ पे दिखेगा। ये एरर, ये इसलिए एरर आता है दोस्तों कि ये पूछना चाहता है, ठीक है, ये पूछना चाहता है कि ये डोमेन जो है आपका है या किसी और का है। अगर आपका है तो आप अपने जहाँ से डोमेन लिया है वहाँ से DNS को आप बताइए, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं DNS सेटिंग इसका कीजिए और CNAME चेंज कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले www देख लेते हैं, www में जाकर के आपको यहाँ पे डालना है, तो सिंपल हम इसे अब यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अपने यहाँ पे डोमेन वाले पे जाएंगे और यहाँ पे DNS के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि अभी हमारा यहाँ पे लोडिंग हो रहा है और हमारा DNS सेटिंग अभी थोड़ी देर के अंदर हमारे सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा DNS सेटिंग आ चुका है। तो यहाँ पे CNAME है एक, इसे हम एडिट करेंगे और इसे जैसा क्या वैसा ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ये चीज कम्प्लीटली खुल चुका है, तो अब हमें यहाँ पे इसका सेटिंग करना है, ठीक है, जिसको हम लोग DNS सेटिंग कहते हैं। तो सिंपल हम अपने ब्लॉगर पे जाते हैं, ठीक है, ये हमारा ब्लॉगर है, ठीक है। तो यहाँ पे www बाय डिफॉल्ट है ही, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप कहाँ गया है ना, यहाँ पे www, यहाँ पे CNAME पहले से है, इसे हम लोग यहाँ से एडिट करेंगे, ठीक है, एडिट करेंगे क्या डालेंगे, तो ये डालेंगे, इसको एकदम सही से कॉपी करना है, थोड़ा सा भी गलती कीजिएगा दिक्कत हो सकता है। यहाँ पे हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया, ठीक है, अब जाएंगे यहाँ, अब यहाँ जाने के बाद दोस्तों आपको एडिट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे एडिट जो है इसे हम यहाँ से हटा करके इसको पेस्ट कर देंगे और सिंपल है इसे हम सेव करेंगे, ठीक, सेव कर दिए, ये देख सकते हैं सेव हो चुका है। अब एक CNAME हमें यहाँ से जनरेट करना है, ठीक है, करेंगे तो सिंपल ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से CNAME हम सेलेक्ट करेंगे। चलिए CNAME हमने कर लिया, अब यहाँ पे होस्ट में होस्ट जो होता है ये नेम देना है और .2 देना है, तो सिंपल है, अपने ब्लॉगर पे जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं होस्ट लिखा हुआ है, इसके नीचे जो भी होगा वो होस्ट होगा, तो सिंपल है हम यहाँ से इसे अच्छे से कॉपी करेंगे। एक आदमी है जिनका यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो रहा था, इसीलिए मैं ये वीडियो को यहाँ पे पर्सनली बना रहा हूँ, तो सिंपल है, अब हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे डॉट लिखा हुआ है इसके ऊपर हम पेस्ट कर देंगे और उसके बाद फिर ब्लॉगर पे जाएंगे, अब .2 में क्या देना है वो देख लीजिए, थोड़ा सा भी गड़बड़ नहीं करना है। .2 में हम यहाँ पे जाएंगे और इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी कर लिया हमने, अब सिंपल है यहाँ पे जाके हम इसे पेस्ट करके सेव कर देंगे। यहाँ पे देखिए सेविंग का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो अब थोड़ा सा हमें यहाँ पे रुकना होगा, उसके बाद ही हम इसे सेव कर पाएंगे। तो सिंपल है, फिर से एक बार हम यहाँ पे ट्राई करते हैं,
चलिए, तो यहाँ पे आपको सेविंग अभी नहीं ले रहा है, ठीक है, नहीं ले रहा है सेविंग, तो आपको यहाँ पे व्यू एंटर, यहाँ पे सेटिंग के ऊपर भी आप यहाँ से क्लिक करके कुछ सेटिंग आप देख सकते हैं। चलिए इसको न्यू टैब में हम ओपन कर लेते हैं, और डीएनएस सेटिंग फाइल तो हमें करने की ज़रूरत है नहीं फिलहाल। यहाँ पे सेटअप के बारे में जो बोला जा रहा है, तो हम यहाँ पे आईपी एड्रेस ये जो देख रहे हैं, ये आईपी एड्रेस हमें लगाना होगा। तो चलिए ये चीज़ हम लोग कैसे लगाते हैं ये भी देख लेते हैं। तो सिंपल है, अभी हम यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे बोला जा रहा है ए नेम रिकॉर्ड हमें देना होगा, तो चलिए हम ए नेम रिकॉर्ड यहाँ से एक यानी चार जनरेट करना होगा हमें। ए नेम रिकॉर्ड यहाँ से हम ऐड करते हैं, और यहाँ पे हम ए के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे एडिरेट देना जरूरी है, अब पॉइंट टू में यहाँ पे वो दे देना है। अब सिंपल हम इसे सेव करेंगे, सेव करने के बाद फिर से हम ये वाला लेते हैं नीचे वाला, फिर वही सेम प्रोसेस होगा, फिर से जा करके यहाँ से ऐड करेंगे और ए लेंगे, ठीक है, यहाँ पे एडिरेट देंगे और हम लोग यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है, फिर भी हम लोग यहाँ पे कॉपी करेंगे। अगर एक बार सेटअप में दिक्कत हो गया तो बहुत दिक्कत होने वाला है, तो सिंपल फिर से हम लोग यहाँ से इसे कॉपी करेंगे और फिर से हम लोग एक ऐड करेंगे, यानी चार आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। अगर आप लोग नहीं करते हैं तो www के साथ आपको अपने सर्च बार में लिखना होगा, विदाउट www के आप लोग नहीं खोल सकते हैं। तो सिंपल है, अभी हम इसे यहाँ से सेव कर देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से इसे लेंगे, और मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा कि रीडायरेक्ट भी कैसे करते हैं। तो सिंपल है, अभी हम फिर से जाएंगे, यहाँ पे एक और क्रिएट करेंगे जिसका नाम फिर वही देंगे ए, और यहाँ पे एडिरेट देना बहुत ज़रूरी है। अब सिंपल यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद इसे हम सेव करेंगे, सेव करने के बाद दोस्तों तब तक वो तैयार भी हो गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे सेटअप को यहाँ पे देख रहे हैं, अभी हम लोग इसे सेव करेंगे, तो चलिए सेव करते हैं, ये देख सकते हैं सेव सक्सेसफुली यहाँ पे आ चुका है। तो इसी तरह से दोस्तों आप लोग रीडायरेक्ट यानी कर सकते हैं, किसी तरह कोई फंडा नहीं है। अब सिंपल सी व्यू ब्लॉक करके देखते हैं कि यहाँ पे डोमेन नेम हमारा चेंज होता है या नहीं होता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डोमेन नेम चेंज हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे फिर से हमें एडिट करना होगा, एडिट करने के बाद हम यहाँ पर ये जो टिक लगा हुआ है ये टिक लगा देंगे। ये टिक लगा देने के बाद दोस्तों यहाँ पे विदाउट यानी आपने www नहीं भी लिखिएगा तो ये रिडायरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं, इसका मतलब ये टिक लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम लोग इसे सेव करेंगे, सेव कर दिया। अब हम आपको दूसरे टैब में यहाँ पे ओपन करके देखते हैं कि अभी हमारा ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसको हम लोग यहाँ पे एक टैब यहाँ पे ओपन कर लेते हैं प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट में हम करके देखते हैं कि ये हमारा ओपन होता है विदाउट www के। यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों विदाउट www के भी ये ओपन हो रहा है। तो इसी तरह से दोस्तों आप लोग कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको फिर से यहाँ पे बता दिया कि आप अपने डोमेन नेम को किस तरह से यहाँ पे ब्लॉगर से ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।